नमस्कार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है विशेष एक ही विषय पर है आप लोगों ने सबने देखा होगा वॉइस फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था है एक शायद समूह है विशेषज्ञों का जिन्होंने जो अभी हाल में लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितने की गिनती हुई अलग अलग फेजेस में कितना पड़ा बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया है और उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं मुख्यतः जो बात वो निकाल कर लाए जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जितना उन्होंने शुरू शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया जो शाम को सात सवा सात बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट उसके और जो आखिरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आंकड़े दिए उसके बीच में करीबन किसी फेज में चार परसेंट किसी फेज पे छह परसेंट किसी फेज में आठ परसेंट तक का अंतर है और मैं एक जो प्रश्न अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं जहां से मैं इस रिपोर्ट के विश्लेषण की शुरुआत करूंगा आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो प्लस माइनस वन परसेंट वन एंड हाफ परसेंट लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे हुए आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर प्रतिशत का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर तो यही तर्क अगर हम आगे उड़ाए तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे यह अपने में एक सवाल बनता है इन्होंने जो विश्लेषण किया उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और फिर देखूंगा कि कुल मिलाकर करीबन पांच करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं और इसका जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने सात बजे सवा सात बजे साढ़े सात बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे अंदाजा था और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए ये दूसरी बात है कि पहले फेज में ग्यारह दिन बाद दूसरे फेज में छह दिन बाद और बाकी के फेजेस में चार चार पांच पांच दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए तब है जब कसमें खाई जाती है कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है EVM से हर चीज़ पता चल जाती है। और क्योंकि मैं ईवीएम पे कई चुनाव लड़ा चुका हूं खुद चुनाव लड़ चुका हूं मैं दो बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट करता हूं कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो कहीं भी हो हर डेढ़ या दो घंटे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं यह भेजना पड़ता है ये शायद आप लोगों ने भी इलेक्शन कवर किया होगा कि भाई आठ बजे तक की इतनी पोलिंग हुई दस बजे तक की इतनी पोलिंग हुई बारह बजे तक की इतनी पोलिंग हुई और अगर सात बजे तक की पोलिंग एक स्तर तक आ जाती है और अगर हम साठ पैंसठ के करीबन माने अमूमन वोट पड़ गया है पड़ता है छे परसेंट का अंतर है तो यह तो मैं बात मान नहीं सकता कि सात बजे के बाद 10 परसेंट वोट पड़ा मतलब वोट पड़ने का 10 परसेंट वोट पड़ा और तब यह आंकड़ा इतना पड़ा तो अपने में यह आंकड़ा भी एक संदेह की स्थिति पैदा करता है और विशेषकर यह तब और भी ज्यादा सवाल बन जाता है जब हम राज्यों के स्तर पर देखें जैसे अगर आप देखें तो आपको लगे पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में यह नंबर साढ़े बारह परसेंट है अब साढ़े बारह परसेंट वोट कहां से बढ़ गया बड़े अपने में अचंभे की बात है उसी तरीके से साढ़े बारह परसेंट उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है अब यह कि आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया अब यह महज कोइंसिडेंस है कि नहीं ये बात भी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं तो एक तो बात यह सिद्ध हो जाती है कि इन आंकड़ों में अंतर है जबकि और मैं उस समय भी इलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूं जब बैलेट से काउंट हुआ करता था मैं आपको बता सकता हूं तब तो पोलिंग के दो या तीन दिन बाद काउंटिंग हो जाती थी हम लोगों को फॉर्म्स सत्रह सी मिल जाया करती थी मैं खुद आपको चौरासी का अनुभव बताता हूं चौरासी क्योंकि आज के हिसाब से तो एक समझ लीजिए डायनासोर के युग का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी हमारे यहाँ पोलिंग हुई तीन दिन बाद काउंटिंग हुई अगले दिन उसके दो दिन बाद जब हम लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स को फॉर्म दिए तो हमारे पास पूरा नंबर था कितनी वोटिंग पड़ गई कितना उसका वोट था उस समय खैर ईवीएम मशीन का नंबर नहीं होता था और जब काउंटिंग से हम लोगों ने रिलेट किया तो पाया किशमलव परसेंट काउंटिंग बिल्कुल मैच कर रही है तो जब मैनुअल मैन्यलेक्ट्रॉनिक इतनी इतनी जमाने में जो जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए इतना ज्यादा अंतर हो जाए कुछ राज्यों में बारह बारह पंद्रह पंद्रह परसेंट का अंतर हो जाए यह अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है फिर एक बात इसमें बताई गई जो बड़ी रुचिपूर्ण है वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते थे कभी नेट नहीं चलता था तो ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां फाइव जी जी नहीं चल रहा है तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन की इस पूछी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेज में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे ठीक है लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने सात बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का और अंत में जो डेटा आया था उसमें एक दशमलव से भी कम का अंतर था लेस देन परसेंट डिफरेंस था चलिए परसेंट का डिफरेंस हो सकता है बजे के बाद पोल पड़ा हो 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 कहीं कहीं खबरें नहीं नहीं आई इंटरनेट चल रहा हो। लेकिन जब पांच साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है देश विकास के रास्ते पर माना जाता है चढ़ता चला जा रहा है हम पहले गुरु थे या विश्वगुरु हो गए हैं तब एक परसेंट से छे परसेंट हम लोग और नीचे गिर जाते हैं सवाल के न केवल इलेक्शन कमीशन पर पड़ता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पर पड़ता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब उनको इन आंकड़ों को उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इस बात को ठीक नहीं माना कि वो किसी भी तरह इसमें कोई जवाबदेही बनाए ठीक है वो संवैधानिक संस्था है लेकिन जब संवैधानिक संस्था के काम इस देश की जमहूरियत तो और लोकतंत्र पर सीधा सीधा असर करते हैं और लोगों के अंतर में यह बड़ा सवाल आता है तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेवारी बनती है कि इस पर वो अपनी बात या अपना पक्ष रखें फिर इसी वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा उन्होंने तमाम कॉन्स्टिशियों में देखा कि क्या वोट का जीतने का या हारने का अंतर था और उन्होंने देखा कि नवासी ऐसी कॉन्स्टिटेंसी हैं, जिसमें अगर यह वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं होता तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बीच में जो अंतर है उसकी प्रतिद्वंदी नंबर दो की पार्टी से वो उससे ज्यादा पड़ता है यानी अगर ये माने कि पूरी की पूरी ये जो वोट बढ़े थे इसमें शायद अगर कोई धांधली हुई है तो ये मान लीजिए कि नवासी सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस मैनिपुलेशन से जीती है चलो मान लेते हैं नवासी नहीं ये मान लेते हैं कि साढ़े छः परसेंट नहीं एक परसेंट तो नॉर्मल होता था तो उसको आप छह परसेंट मान लीजिए साढ़े पांच परसेंट मान लीजिए पांच परसेंट मान लीजिए तब भी पचपन से साठ सीटें ऐसी हैं जिस पर संदेह का एक सवाल खड़ा होता है अगर आप पचास पचपन सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी की कम कर देते हैं और उनकी विरोधियों पार्टी की बढ़ा देते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके बाद जब चार तारीख के बाद शपथ ली गई ली जाती तो किस दल का या किस समूह का इंसान जो है प्रधानमंत्री बनता तो मेरे ये सीधे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से बनते हैं कि ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इस रिपोर्ट को देखें उसके कुछ ही पन्ने में लाया हूं उन्होंने कॉन्स्टिटन्सी वाइज इसका विश्लेषण किया है फेज वाइज विश्लेषण किया है राज्यवार किया है पार्लियामेंट्री सीट वाइड किया है और दिखाया है कितने कितने अंतर से कौन कौन जीता और कहाँ कहाँ ये जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं और जैसे मैंने कहा यह भी रुचिपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे राज्यों में जहां कम से कम विपक्ष के या उन लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी को तीखी नजर से या आलोचना की नजर से देखते थे हमारे हिसाब से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस को अच्छा नहीं करना चाहिए था या जिनमें उन्होंने उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया वो सब ऐसे राज्य हैं जहां इस तरीके की हेराफेरी सबसे ज्यादा पाई गई है उसमें महाराष्ट्र है उसमें आंध्र प्रदेश है उसमें उड़ीसा है उसमें बिहार है और उसमें कुछ बाकी राज्य हैं जो इस तरह में आते हैं तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये आग्रह करेंगे अनुरोध करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि इस रिपोर्ट को वो गंभीरता से लें ये उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है उसकी अपनी जवाबदेही का प्रश्न है उसकी अपनी इमेज का प्रश्न है सामूहिक सामूहन आप जानेंगे कि हिंदुस्तान के लोग हमारे वोटरों ने हमेशा इलेक्शन कमीशन को एक सम्मान की स्थिति में पाया है लेकिन पिछले कुछ सालों से खासकर आठ दस साल से जिस तरीके के उसके काम रहे हैं उसकी कई चीजें संदेह के घेरे में आती हैं और अगर इस रिपोर्ट पर वो संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो ये गंभीर प्रश्न बनेंगे मैं आशा करूंगा कि चाहे इस बात से चाहे और जो तमाम नागरिक समूह उससे ये सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी जवाबदेही मानेंगे और सवाल देंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी इस बात पर सोच रही है कि क्या इसको हम किसी न किसी और स्तर पर या बड़े स्तर पर ले जाकर इस पर कोशिश करें कि क्या इस पर इंक्वायरी हो सकती है या इलेक्शन कमीशन पर हम प्रभाव डलवाएं थैंक यू का परसेंटेज का इशू है आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आप गिनवा रहे हैं तो क्या कोर्ट का दरवाजा भी आप खटखटा सकते हैं इन दे, इस के बेसिस पे देखिए ये हो सकता है लेकिन ये थोड़ा पेचीदगी वाला मामला है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब ऐसे सवालों को हम कोर्ट के सामने ले जाते हैं तो कोर्ट कहते हैं कि नहीं हम इसको इलेक्शन कमीशन पर रखेंगे तो हम, मैं तो ये आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ही गंभीरता से इस प्रश्न को देखे लेकिन अगर नहीं होता है तो उनको देखे लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या हम कोई और संस्था के पास जाते हैं या कोर्ट के पास जाते हैं जैसे आपने सुझाव दिया है मेरे ख्याल से ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, इस बात को तय करेगा पूरा आंकड़ा नहीं ने ने ये वोट फॉर डेमोक्रेसी एडीआर ने एक रिपोर्ट छापी उसी के साथ साथ एक एक्सपर्ट्स ग्रुप का है मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथियों से कि अगर सबको वो रिपोर्ट दे दें वॉइस फॉर डेमोक्रेसी और इसमें तीन या चार एक्सपर्ट्स का इन्होंने नाम दिया था वो नाम भी मैं आपको दे सकता हूं टोटल वोट जो है कुल मिला के चार करोड़ पैंसठ लाख छियालीस हजार को तो चार करोड़ पैंसठ लाख आप मान लें अमूमन पांच करोड़ के करीब वोट्स हैं और जो टोटल परसेंटेज है वो करीबन अलग अलग फेजिस में अगर आप जानना चाहें तो मैं अलग अलग फेजेस का आपको टोटल मिलाकर फोर पॉइंट सेवन परसेंट अंतर होता ये एक शीट है अगर आप चाहें तो इसको कॉपी ले सकते जी 4.7 का अंतर हुआ है लेकिन अंतर परसेंट अपने में उतना बड़ा तो है तो जहां एक परसेंट होता था वहां समझ लीजिए पांच डिफरेंस हुआ है लेकिन राज्यवार कुछ राज्यों में बहुत बहुत अंतर हुआ है और अगर आप फेज वाइज देखेंगे जैसे जब आपने पूछ ही लिया तो मैं कुछ ए, फेज वाइज के कुछ ऐसे ऐसे, ऐसे आंकड़े आपको बताता हूं जी नहीं वोट कास्टेड देखिए क्या है वोट कास्ट हमको कैसे पता चलता है आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन बूथों से जानकारी मंगवाता है और जिस दिन पोल चल रहा होता है तो वो राज्यवार आपको आंकड़े देता है कि दिल्ली में 12 परसेंट वोट पड़ा हिमाचल में 12 बजे तक तिरसठ परसेंट वोट पड़ा तो वो अलग अलग दो दो तीन तीन घंटे में अलग अलग वोट के परसेंटेजेज आपको बताता है और आखिरी आंकड़ा जो रात को पब्लिश होता है वो अमूमन साढ़े छह सात बजे तक का माना जाता है क्योंकि ये होता है पांच बजे पोल बंद होते हैं जितने लोग एंटर कर गए पोलिंग बूथ में वो पोल करेंगे और सबका अनुभव यह है कि निन्यानवे अट्ठानवे परसेंट तक व्यक्ति जो है अट्ठानवे निन्यानवे छह साढ़े छह बजे तक पोल पड़ जाते हैं अब तो ऐसा है क्योंकि अगर आप लोगों ने मशीनें देखी होंगी आपको कोई मैनुअल कांट भी नहीं करना पड़ता जो पीठासीन अधिकारी है उसके सामने जो मशीनें पड़ी होती है उसमें एक्चुअल दिखता है कितना वोट पड़ा है तो इसमें कोई यह भी नहीं हो सकता कि गणित में कोई दिक्कत हो उनके पास मुझे मालूम है कि उनको हर दो घंटे में या तीन घंटे में वाया व्हाट्सएप या जो भी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उन्हें अपने अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन से जहां एग्रीगेट होता है नेशनल कमीशन की तरफ उनको आंकड़े भेजने पड़ते हैं कि इस समय तक इतनी पोलिंग हुई है तो जब इतनी एग्जैक्टनेस और इतनी स्पेसिफिसिटी पूरे सिस्टम में है तो चार पांच परसेंट का अमूमन और कुछ कुछ जगहों पे बारह बारह पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह परसेंट का कहां से अंतर हो सकता है और अगर आप देखें तो ये कोई बियाबान जंगल के राज्य नहीं है इसमें आंध्र प्रदेश है इसमें उड़ीसा है इसमें महाराष्ट्र है तो ये भी नहीं बात चल सकती कि साहब इंटरनेट्स नहीं काम कर रहे थे सिस्टम्स नहीं काम कर रहे थे तो ये आ, आ, अपने में सवाल बनता है कि है मामला बहुत गंभीर कुछ जैसे मैं आपको छोटे एग्जाम्पल देता हूं जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले राउंड में बारह दशमलव दो प्रतिशत का अंतर आया सिक्किम में ग्यारह दशमलव आठ परसेंट का अंतर आया लक्ष्मीप भले हम लोग वो सीट जीते हो पच्चीस परसेंट का अंतर आया पच्चीस परसेंट का अंतर कैसे किसी सीट पर आ सकता है ऐसी तरीके के इसमें अगर आप इसके टेबल देखेंगे मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़ों से नहीं करना चाहता बट हर स्टेट में हर फेज में और वो भी अलग अलग उसमें कभी कभी एक्सपीरियंस है कुछ राज्यों में कभी कम कभी ज्यादा तो ये भी नहीं कोई आप पैटर्न बता पा रहे हैं कि किसी कि कि राज्यों में किसी फेज में कुछ ज्यादा दिक्कत हुई संदीप जी जिस वीडीएफ की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उन्नीस में कुछ आशंका व्यक्ति को उसका उल्लेख किया गया है उन्नीस में अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में कहा गया था कि संविधान में किसी मूर्ख या दुष्ट को चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं तो ऐसा प्रावधान ई कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे आ जाएगी नहीं जो बाबा साहब ने कहा उसको मैं सम्मान करता हूँ लेकिन मैं इस समय जो इलेक्शन कमिश्नर है उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा ये रिपोर्ट और जो बार बार लोगों के अनुभव हुए हैं इलेक्शन कमीशन से ये इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होने पर सवाल खड़े करते हैं और मेरे ख्याल से अच्छा होगा अगर इलेक्शन कमीशन सही में वो जानता है कि नहीं निष्पक्ष तरीके से चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं और अगर सत्य आपके साथ है तो फिर इन सवालों का जवाब देने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं और एक इस पर्दे के पीछे खड़े हो रहे हैं कि हम हमारी किसी से जवाबदेही नहीं बनती है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो अगर ये आपके हथियार हो जाएंगे जवाब ना देने में तो फिर मेरे हिसाब से ये बात आ, साबित हो जाएगी कि दाल में कुछ काला है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो रिपोर्ट को जिस दिन वोटिंग वाले दिन में जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए और जो वो वोट काउंट हुए उसमें ये फर्क है पॉइंट नहीं वोट जो फाइनल उन्होंने अनाउंस किए और फिर जो वो एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो वोट इन्होंने फाइनल अनाउंस किए जो जब आप देखिए जब आप काउंटिंग एजेंट्स पे जाते हैं और टेबलों पे बैठते हैं तो सामने जो अधिकारी होते हैं उनके पास डेटा होता है किस मशीन नंबर पे कितना वोट पोल हुआ है उसमें भी अंतर पाया गया वो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है कहीं हजार वोट का कहीं पांच सौ वोट का कहीं चार सौ वोट का वो अंतर भी कहां से आ गया वो भी अपने में सवाल बनता है उसको मैंने केवल इसलिए रेखांकित नहीं किया कि वो अंतर शायद चुनाव के रिजल्ट के अंतर से कम ज्यादा कम है लेकिन इस रिपोर्ट में वो भी दिया गया है कि बहुत ऐसी कॉन्स्टेंसीज हैं जहां अगर नौ वोट टोटल पोल हुआ था किसी ईवीएम मशीन पर तो जब गिनती हुई तो नौ निकले जहां 708 पोल हुए थे वहां 770 निकले जिस कॉन्स्टुंसी में समझ लीजिए बारह वोट हुए थे जब गिने गए तो बारह हजार तेरह सौ या कुछ और निकले तो ये भी गलतियां पाई गई हैं तो मेरा यह कि अगर मशीन तो एक्यूरेट होती है आप सब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं एक्सेल इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं हमारे आपकी गिनती में फिर भी गलती हो सकती है यह तो हो नहीं सकता कि एल कैलकुलेटर वही आठ प्लस चार डालें तो एक में बारह निकले और एक में सवा बारह निकले इलेक्शन कमीशन के कैलकुलेटर्स में निकल सकता है सामान्य जन के कैलकुलेटर्स में तो ये नहीं निकल सकता आ, दूसरी संस्था के आ, सामने भी ले जा सकते हैं यदि जरूरत पड़ी तो फिलहाल आप चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले भी आ, कई बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए थे आप लोग हमेशा से ये भी कहते रहे कि आ, हमें ई पर भरोसा नहीं पार्टी कब तक कोई बड़ा फैसला इस मसले पर ले पाएगी क्योंकि आ, ये एक गंभीर मसला है तो कब तक ये तय होगा कि हम इसके आगे

और फंडामेंटली खिलाफ हैं उसके खिलाफ आ, काम तो करेंगे लेकिन पहली चीज ये कि इस चुनाव में क्या हुआ है अब ये तो चुनाव हो गया इसमें तो हम कह नहीं सकते कि ईवीएम मशीन ना रखिए वो तो बात हो गई लेकिन इन चीज़ों का जब जवाब आएगा और अगर जवाब नहीं आता है तो जो सवाल हम लोग ईवीएम के बारे में खड़े कर रहे हैं और जो लोगों के मन में संदेह है वो और पुख्ता हो जाएगा कि ये मशीनें जो हैं उतनी अच्छी उतनी एक्यूरेट उतनी सही नहीं है जितनी उसकी सबसे बड़े सपोर्टर जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वयं कहता है और जब इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो स्वयं इलेक्शन कमीशन उसको उसकी सफाई नहीं दे पाता है क्योंकि जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं कि कैलकुलेट करते समय सात बजे के बाद जो बताया गया कि कुछ परसेंट वोट पड़ता है इसके बाद जब फाइनल उसका डेटा जारी किया जाता है तो उसके बाद कुछ बताया जाता है तो ये मशीन पर गड़बड़ी नहीं है बल्कि ये व्यक्ति या संस्था की गड़बड़ी को आप कहते हैं और ठीक है तो इलेक्शन कमीशन बताए ना कि वो गड़बड़ी है हमने कब कहा हम तो संदेह खड़ा कर रहे हैं अगर वो है तो वो है, मेरा ये है कि अगर ऐसे ही कुछ है चलो आप और चीज छोड़ दीजिए साढ़े बारह परसेंट का अंतर आंध्र प्रदेश में है आपके पास तो सारा डेटा होगा आजकल तो ईडी के पास चले जाइए तो तीस साल पहले अगर आपने अपने बच्चे को केक खिलाया तो उसका डेटा भी निकाल लेता है तो निकाल लीजिए कौन कौन सी मशीन से इलेक्शन कमीशन में किस घंटे में किस बूथ से गया डेटा पता चल जाएगा सात बजे तक आपको कितना पता चला उसके बाद जो फाइनल डेटा है कितने आए मालूम पड़ जाएगा अगर वो केवल ह्यूमन एरर है ठीक है मान सकते हैं ह्यूमन एरर है तो ह्यूमन एरर प्रूव कर दीजिए हम कब कह रहे हैं लेकिन आप जब प्रूव ही नहीं करना चाहते आप कोई चीज देखना ही नहीं चाहते साढ़े बारह परसेंट का अंतर आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते तो सवाल खड़ा होता है ना मैं मानता हूं अगर आप लेकिन आप भी जो बात कह रहे हैं वो भी एक संभावना है मैं जो कह रहा हूं कि मैनिपुलेशन हुआ है वो भी संभावना है संभावनाओं को हकीकत में बदलता है इन्वेस्टिगेशन आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए हम संतुष्ट हो जाएंगे और नहीं होंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि गड़बड़ी हुई EBM का मुद्दा लगातार ये चलता रहा है और वोटिंग उस दिन की हकीकत बता रहे हैं तो वो हकीकत इसको जन्म दे रही है सवाल को हम नहीं हमारे पास जब ये हकीकत इस संस्था द्वारा आई तो हम भी जो चीजें समझते थे कि ईवीएम में हो सकती है ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करती है है एक में दो रिपोर्ट है की रिपोर्ट में छह लाख का फर्क बताया गया और इस रिपोर्ट में फोर करोड़, करोड़ तो पॉइंट दो रिपोर्ट है एडीआर भी एक विश्वसनीय संस्था है वर्ल्ड फॉर डेमोक्रेसी के अभी आप जिक्र कर रहे हैं तो दोनों में इतना का फर्क कैसे आया आपने जानने की एडीआर की रिपोर्ट मैंने नहीं देखी लेकिन जो मैंने आंकड़े में देखे और कल रात से मैंने इसको खुद आ, आ, पूरी तरीके से तो मेरे पास वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं है लेकिन इन्होंने जो नंबर बताए थे मैं गया इंटरनेट पर और मैंने उन दिनों के फिर अखबारों को निकाल कर आंकड़े देखे क्या उन्होंने पब्लिश किए थे और मैंने देखा कि 95, 98, 99 परसेंट में वो डेटा रिट्रीव कर पाया कि जो आंकड़े ये दे रहे हैं ये वही थे जो तमाम अखबारों में या चैनल्स ने उन दिनों के उन राज्यों के पब्लिश किए थे फेज़ वाइज तो इसलिए मुझे ये एक कॉन्फिडेंस आया कि जो रिपोर्ट वी दे रही है वो आंकड़ों पर आधारित है और उन्होंने जो देखा वो जो हकीकत उन दिनों की थी उस पर आधारित है ओल्ड राजेंद्र नगर देखा गया उसके बाद कल आशा किरण शेल्टर में जो मृत्यु हुई लोगों की वो देखा गया कल बच्चा एक सीवर में भी गिर गया तो क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं आप सर किसकी गलती ज्यादा है क्या मतलब दिल्ली सरकार बिल्कुल अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना छोड़ दिया है ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये दिल्ली का सवाल है तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं लेंगे आप बाद में पूछ लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया सर दो दिनों पहले एस सी एस टी में सब कैटेगराइजेशन को लेकर तो कांग्रेस पार्टी की क्या राय है देखिये ये एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और इसको अभी पार्टी इसका विश्लेषण कर रही है इसको समझ रही है और मुझे जो पता चला है कि कुछ ही दिनों में इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे लेकिन हम इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर महत्वपूर्ण एक ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है तो सरकार की इसमें क्या प्रतिक्रिया है सरकार की प्रतिक्रिया हमें नहीं पता चल रही है कहा

देखिए मैं तो मूल तक इस किस, ऐसी किसी भी बयानबाजी को अच्छा नहीं मानता हूँ कभी कभार हंसी मजाक चल जाता है ह्यूमर चल जाता है लेकिन ये ह्यूमर की परे है किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करना उसके परिवार पर टिप्पणी करना उसके अपने माता पिता या अपने परिजनों के बीच में क्या रिश्ते हैं उस पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ये ए, ए, माने तो मैं तो अभद्र शब्द इस्तेमाल करूँगा और क्योंकि अगर कोई देश का गृहमंत्री इस तरीके की बात बात करता है तो फिर स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया तो दूसरी तरफ से आएगी। आशा आएगीरन वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दैट इंस्टीट्यूशन अंडर क्वेश्चन बैक फ्रॉम टू थाउजेंड नाइन टेन इवन येली Uh, so, how do you see this? Is this uh, utter negligence on the part of the social welfare department of the Delhi government, uh, where deaths have kept on happening in the month of January, February, March, April, and in July that spiked to 14 in a single month? So, do you see that this sheer negligence on the part of the SCST welfare department as well? Well, as I said, I think this is a question for uh, the Delhi Pradesh Congress and on another format, but since you've reiterated this question, certainly. I mean, it is. Uh, I mean, it's not just a matter of negligence; it's a tragedy, and I think it's a tragic thing. Uh, so let's keep it at that. Uh, I think Delhi is more worried about, uh, uh, you know, carbohydrate in certain persons, some people's diets in the morning and evening. Unfortunately, for a city that should grapple with these situations, its government seems to be more interested in what a person is eating in the morning and the afternoon. And I think that's the tragedy of Delhi. Thank you.